बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कौन बनेगा सैकड़ापति से पहला एलिमिनेटर, खेलने के लिए आ रहे हैं रियाज अहमद। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और लगा लीजिए माइक को, लगाइए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं लैपटॉप पे और अपना उत्तर बता सकते हैं कि सफल का भाववाचक संज्ञा है। सफल का भाववाचक संज्ञा है ए में असफलता, बी में सफल, सी में सफलता, डी में असफल। ए नंबर को लॉक किया जाए, ए नंबर को लॉक किया जाए या ऑप्शन बदलना चाहते हैं? ए नंबर। चलिए इनके क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि क्या इनका उत्तर सही है या नहीं है। सी गलत जवाब, इनका पहला क्वेश्चन जो है गलत है। चलिए इनके सामने अगला क्वेश्चन है कि केजरीवाल को सफलता मिली वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? सोच विचार के उत्तर दीजिएगा, काहे कि दो नंबर क्वेश्चन एक गलत कर चुके हैं। आपके ऑप्शन है जातिवाचक, बी में भाववाचक, सी में व्यक्तिवाचक, डी में समूहवाचक। व्यक्तिवाचक ऑप्शन नंबर में सफलता कौन संज्ञा है? ए में जातिवाचक, बी में भाववाचक, सी में व्यक्तिवाचक, डी में समूहवाचक। एकदम शांति से आपको उत्तर देना है कि क्या हो रहा है। बस समय एक मिनट का है हर क्वेश्चन के ऊपर। बी भाववाचक बिल्कुल सही जवाब, जोरदार। तीन नंबर क्वेश्चन इनको मिलता है। तीन नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? ए में जाति, बी में मनुष्यता, सी में मानव, डी में राष्ट्र। डी नंबर। डी को लॉक किया जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एलिमिनेट हो पाते हैं कि नहीं वो तो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन देखते हैं। आपका ऑप्शन डी नंबर है गलत जवाब। आपका ये भी सवाल गलत हो चुका है। आपका एलिमिनेट वाला